रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। दीपावली के त्योहारी सीजन में मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। यहाँ पर खाद्य विभाग की टीम ने करीब करीब यहाँ पर 31 लाख रुपए का 7000 लीटर नकली घी जब्त किया है। छापेमारी खाद्य विभाग, राजस्व और कोतवाली पुलिस के नेतृत्व में की गई है। तो नकली घी के बड़े बड़े ब्रांड्स के रैपर भी यहाँ पर बरामद किए गए, जिनका उपयोग करके नकली घी को असली ब्रांड के नाम से बेचा जा रहा था। टीम ने नकली घी बनाने की मशीनें और सामग्री भी जब्त करके कारखाने को सील कर दिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी न्यूज पर। त्योहार पर मिलावटी मिठाई का ये बड़ा खुलासा है। ये आशीष कसेरा कृष्णा मार्केटिंग के द्वारा जो है आवर रोड पर आव माता मंदिर के पास में जो है वो बिना लाइसेंस के वनस्पति और तेल के मिश्रण से घी तैयार करते हुए पाए गए, जो कि प्रथम दृष्टया नकली प्रतीत होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के ब्रांड से मिलते जुलते भी रेपर है। और जो यहां से घी जब्त हुआ है वो 31,50,000 के आसपास का मिला है टोटल। और अब हम आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए कि कैसे मध्य प्रदेश के मालवा में नकली घी फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। वहीं राजस्थान की अगर बात कर ले तो वहां के धौलपुर में भी नकली मिठाई जब्त की गई है। और ऐसी अलग अलग शहरों से, जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। जी न्यूज आपको वो सारी तस्वीरें दिखाएगा किस तरीके से। देखिए, बीकानेर में भी खाद्य विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई की है। बैतूल में त्योहारों को देखते हुए खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। और ये सारी तस्वीरें बताने के लिए काफी, किस तरीके से मिलावटी जहर आपकी जिंदगी में किस तरीके से दस्तक दे चुका है। त्योहारों का सीजन है और ये सारे अलग अलग मामले कमोबेश एक ही समस्या को दिखा रहे हैं, किस तरीके से मिलावट का जहर आपके खाने में घोला जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बड़ौद की, जहां पर मिलावट पर बड़ी कार्रवाई की गई है। जानकारी मिल रही है कि 2 क्विंटल मिलावटी रसगुल्ले बरामद किए गए। खाद्य विभाग की टीम ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बड़ी जानकारी सामने आ रही, इन तस्वीरों को आप देखिए लगातार। त्योहारी सीजन में कैसे आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और इसी पर नकेल कसने के लिए कई दुकानों पर छापेमारी की गई है और खाद्य विभाग ने ये बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर 2 क्विंटल मिलावटी रसगुल्ले बरामद किए गए हैं। त्योहारी सीजन में मिठाई लोग खास कर खाते हैं, लेकिन आप देखिए कैसे आपकी सेहत के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, इसका ख्याल रखते हुए खाद्य विभाग की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है। तो कुल मिलाकर मिठाई से लेकर आप घी जो है वो किस तरीके से जगह जगह मिलावटी मिल रहा है, और शहर शहर मिलावट के जहर की बड़ी पड़ताल जी न्यूज कर रहा है, और आपको ऐसे अलग अलग मामले हम दिखाते हुए। तो इन तस्वीरों को आप देखिए किस तरह से जब रसगुल्ले यहाँ पर जब्त किए गए, उसके बाद इसे नष्ट किया जा रहा है। ये खबर है राजस्थान के धौलपुर से, जहां पर खाद्य विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई की। इस दौरान कई दुकानों से नकली मिठाई बरामद की गई है। टीम ने करीब 100 किलो नकली मिठाई को यहां गड्ढा खोदकर नष्ट किया है। इन तस्वीरों को आप देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से 100 किलो नकली मिठाई है, उसकी बरामदगी हुई, फिर बाकायदा गड्ढा खोदा गया और इस नकली मिठाई को, 100 किलो नकली मिठाई को उसमें नष्ट किया गया है। और ऐसी अलग अलग तस्वीरें जी न्यूज अलग अलग इलाकों से दिखा रहा है कैसे नकली मिठाई जो है लगातार बन रही है, और उसे बेचने से पहले यहाँ पर किस तरीके से खाद्य विभाग कार्रवाई करता नजर आ रहा है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर बीकानेर की, जहाँ पर दीपावली और धनतेरस को देखते हुए मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य विभाग का एक्शन और तेज हो गया है। राजस्थान के बीकानेर की खबर आपके सामने। छापेमारी के दौरान करीब 1100 किलो नकली और खराब मावा जब्त किया गया, और इस मावे की सप्लाई मिठाई की दुकानों पर होनी थी, लेकिन उससे पहले खुलासा होता है 57 दिन में पैक किया गया था मावा, और मिलावटी मावा आपकी जान पर किस तरीके से एक बड़ा खतरा जो है बनकर नजर आ सकता है, उससे पहले ये कार्रवाई होती है। 1100 किलो नकली मावा को जब्त किया गया बीकानेर से। तो छापेमारी जो है वो की गई है। इस बीच बीकानेर के CMHO ने क्या कहा है ये हम आपको सुनवाते हैं। यहाँ 57 पीपे यानी 1140 किलो मावा जो है वो खराब बदबूदार फंगस लगा हुआ मावा बरामद हुआ है। आशा कोल्ड स्टोरेज से मिले इनपुट के आधार पे मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी। इस मावे का जो आबादी से परे ले जाके डिस्पोजल किया जाएगा। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार ये कार्रवाई की गई है। और इसी बीच आगरा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर नामी हलवाई की मिठाई में कीड़े निकले हैं। ग्राहक ने मिठाई में कीड़े का वीडियो बनाया, उसको वायरल किया सदर थाना का, कि प्रतापपुर चौराहा पड़ता है, वहां पे ये नामी गिरामी दुकान है। देखिए, ग्राहक ने खाद्य विभाग की टीम से कार्रवाई की मांग की है।
तो इन तस्वीरों को आप देखिए, ग्राहक ने इसका वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर डाला और वायरल है। किस तरह से एक नामी गिरामी दुकान जिसका ब्रांड काफी यहाँ पर प्रचलित है, उसकी मिठाई से भी कीड़ा निकला है। बीच में तो खोलो पैसे का। तब ये मैं पंच मिस्टाम के क्या है, ये क्या है, क्या है बेटा, बीच में तो खोलो पैसे का। Z News।